चुने हुए प्रतिनिधि को हिसाब देना चाहिए। मगर मित्रों, ये सारी बातें तो ठीक है, विकास होता रहता है, विकास करना भी चाहिए और विकास के लिए हम आगे भी बढ़े, परंतु मैं आपको एक बात कहने आया हूं, मोदी जी ने सबसे बड़ा अगर कोई काम किया है तो इस देश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, देश को सुरक्षित करने का काम। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे, मोनी बाबा के मुंह से उफ नहीं निकलती थी, वो भी नहीं निकलती। मैं आज भी नहीं पूछू भाई हेमराज का सर काट कर जिस प्रकार से ले गए थे, फुटबॉल की तरह उसको उछाल कर अपमानित किया था, मैं आज भी जब स्वप्न में भी आता है मैं खड़ा हो जाता हूं। तो भारत के सैन्य की यह दशा करता है। नरेंद्र मोदी सरकार आई, अभी पुलवामा में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला कर दिया, अपने 40 जवान मौत के घाट उतार दिए, शहीद हो गए, पूरे देश के अंदर गुस्सा था, निराशा था, हताशा था, क्रोध था, आक्रोश था कि अब क्या होगा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पूरी के वक्त, तो पाकिस्तान ने सीमा पर सेना लगा दी, टैंके लगा दी, तोपे लगा दी कि सर्जिकल स्ट्राइक ना हो पाए। मगर मोदी जी भी शिवाजी महाराज की विचारधारा के व्यक्ति है मित्रों, शिवाजी जवानों की 13वें के दिन उनके घर में उनका श्राद्ध चल रहा था और मोदी जी ने एयरफोर्स को हुक्म दिया एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप पर बम गिराकर आतंकवादियों के अड्डों के पुर्जे उड़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और देश भर के अंदर एक प्रकार की खुशी की लहर पहुंची, लोग फटाके जलाने लगे, मिठाइयां बांटने लगे, जवानों के शहीदों के चित्र पर मालाएं लगाने लगे। मगर देश में दो जगह निराशा का आगमन था। एक तो पाकिस्तान में था, छातियां पीट पीट कर रो रहे थे, रोने चाहिए या नहीं रोने चाहिए भाई, जरा जोर से बोलो बारामती वालों, रोने चाहिए या नहीं रोने चाहिए। और दूसरा, राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी 14 आंसुओं से रो रही थी, उनको लगा अपना सब कुछ लूट गया। वो साक्ष्य मांगते हैं, प्रमाण मांगते हैं, देश की सेना पर शंका करते हो, देश की एयरफोर्स पर शंका करते हो। मित्रों, ये देश की सेना किसी पार्टी की सेना नहीं है, भारत माता की सेना है, भारत की सेना है, इस पर किसी ने शंका नहीं। मित्रों, अभी अभी शाम पित्रोड़ा का बयान आया, क्या बयान आया कि भाई 4-5 लड़कों ने आतंकवादियों को लड़के कहते हैं, 4-5 लड़कों ने गलती कर दी, बम क्यों गिराए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं बारामती वालों, राहुल बाबा एंड कंपनी, पवार साहब एंड कंपनी कहती है कि आतंकवादियों से बातचीत करो, बातचीत करना चाहिए या बम गिराना चाहिए? जोर से बोलिए, बातचीत करनी चाहिए या बम गिराना चाहिए? अरे राहुल बाबा, आपकी पार्टी की जो नीति हो वो हो, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, हमारी नीति स्पष्ट है, वहां से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आपके लिए वोट बैंक का मसला हो सकता है, वोट प्राप्त करने का साधन हो सकता है, हमारे लिए एक मां भारती की सुरक्षा का सवाल है, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये हमारी फर्ज है। अभी अभी मित्रों, कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहा है, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस
और कांग्रेस के बीच में समाधान होगा। शरद पवार साहब, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सब एक साथ बैठे,